दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने द लास्ट लेसन के बारे में पढ़ा रहा था, क्लास ट्वेल्थ का जो इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर है पहला द लास्ट लेसन है, और इस लेसन के हम शॉर्ट आंसर में पांच क्वेश्चन बता दिए थे और बाकी पांच क्वेश्चन बचे थे। तो इस वीडियो में हम बाकी पांच क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो उन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बाकी पांच क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हो गया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के इसका आंसर देख सकते हैं। छठवा क्वेश्चन है हमारा, छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां आठवां नौवां दसवां, दस क्वेश्चन थे तो पाँच क्वेश्चन पहले ही बता दिए, पाँच क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए छठवां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, होम डीड एम एम एल ब्लेम्ड फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज वाई। ठीक है, तो इसका आंसर हिंदी ये हुआ, होम डीड एम एम एल ब्लेम्ड, एम एम एल ने किसको दोषी ठहराया फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी, अध्ययन में यानी पढ़ाई में नज़रअंदाज करने पर एम एम एल ने किसको दोषी ठहराया और वाई क्यों ठहराया, इसका आंसर हमें डीपली लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर छः का आंसर है यहाँ पे, एम एम एल ब्लेम्ड टू द पेरेंट्स आ फ्रेंड्स, एम एम एल किसको दोषी ठहराया, फ्रेंड्स के माता पिता को दोषी ठहराया, एंड ही हिमसेल्फ ब्लेम्ड फॉर दी पुअर कंडीशन ऑफ इन स्टडी, और उसने स्वयं को भी यानी एम एम एल जो टीचर थे वो स्वयं को भी ब्लेम यानी कि ब्लेम मतलब दोषी ठहराए, क्योंकि एम एम एल के पुअर कंडीशन को देखकर उन्होंने स्वयं को दोषी ठहराया और उनके माता पिता को यानी फ्रेंड्स के माता पिता को भी दोषी ठहराया। ठीक है, आगे है, बिकॉज हिज पेरेंट्स वी आर नॉट एंग्जियस enough to have he learn, क्योंकि उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई करे, they prefer to put him to work on a farm or at the mills, वो उसे कहाँ भेजा करते थे काम करने के लिए, the mills mills या farm में भेजा करते थे, and I often sent और मैं भी यानी कि एम एम एल कर रहे हैं और मैं भी sent the friends friends को भेजा करता था to give water of my flowers इंस्टीड ऑफ लर्निंग देयर लेसन्स, उसके पाठ पढ़ने के बजाय मैं उसको अपने फूलों में पानी डालने के लिए भेजा करता था, तो इसलिए मैं भी दोषी हूँ और उसके माता पिता भी दोषी हैं, क्योंकि उसके माता पिता वो चाहते नहीं थे कि वो पढ़ाई करे और उसे मिल्स पर भेजा करते थे या फार्म में काम करने के लिए भेजा करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर छः का हमारा आंसर इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर सात को देखते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर छः भी हो गया, क्वेश्चन नंबर सात है हमारा, व्हाट डिड एम एम एल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट, एम एम एल ने भाषा के बारे में क्या कहा और यह उसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट बताया, क्या महत्व बताया। ठीक है, एम एम एल ने अपनी भाषा के बारे में क्या कहा और उसका क्या महत्व बताया। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हम कैसे, सात नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, एम हेमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, एम हेमल ने कहा फ्रेंच भाषा जो है, फ्रेंच भाषा सबसे सुंदर भाषा है इस संसार में। ठीक है, इन दिस वर्ल्ड फ्रेंच यानी एम हेमल ने कहा कि फ्रेंच भाषा पूरा संसार में सबसे सुंदर भाषा है, इट वॉज क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यह बहुत ही क्लियरेस्ट आसान या अच्छा एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज और बहुत ही तर्कपूर्ण पूर्व भाषा है। ठीक है, यानी कि एम एम एल ने बताया कि जो फ्रेंच भाषा है वो इस संसार में सबसे सुंदर भाषा है और यह एक क्लियर भाषा है और यह एक तर्कपूर्वक भाषा है, लॉजिकल भाषा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर भी हो गया। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आठ है हमारा, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स व्हाई, यानी कि इसका हिंदी हुआ कि फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों सोचा। ठीक है, क्यों सोचा, इसका आंसर हमें लिखना है, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, यानी कि फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा, व्हाई क्यों क्यों सोचा, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आठ का जो आंसर होगा इस तरह से लिखेंगे, फ्रेंच थाट फ्रेंच ने सोचा अबाउट द पिजन्स, पिजन्स के बारे में यानी कबूतरों के बारे में फ्रेंच ने सोचा, विल दे मेक सिंग इन जर्मन, क्या जो जर्मन वाले लोग दबाव डाल रहे हैं कि जर्मनी भाषा बोलना है मतलब फ्रेंच भाषा पे रोक लगा रहे हैं, क्या वे लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में बोलने के लिए कहेंगे, बिकॉज ऑन द रूफ द पिजन्स क्वाइट वेरी लो, क्योंकि छत पर जो कबूतर थे अपनी
क्या कर रहे थे, अपना जो कुकू जो भी बोली होती है उनकी क्विट कर रहे थे, ठीक है, क्विट कर रहे थे। तो उसने कहा कि क्या, उसने सोचा अपने मन में कि क्या जर्मन लोग जो हैं जर्मन भाषा बोलने के लिए इन्हें भी दबाव डालेंगे, इन पर भी फोर्स करेंगे। ला एंड जर्मन लैंग्वेज वाज फोर्सली इम्पोज्ड, क्योंकि यानी कि और क्या किया गया था, जर्मन भाषा को यानी कि बिना मर्जी के थोप दिया गया था, ठीक है, फोर्सली मतलब दबाव पूर्वक थोप दिया गया था सभी लोगों पर कि फ्रेंच भाषा नहीं बोलना है, जर्मन भाषा ही बोलना है। तो इसीलिए वो फ्रेंच सोच रहा था कि क्या वे लोग कबूतरों को भी मना करेंगे, कबूतरों को भी कहेंगे कि जर्मन भाषा में बोलो, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका। चलिए हम देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट डिड एमएमएल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, यानी कि इसका इसका मतलब हुआ कि एमएमएल ने वहाँ क्या गौर कर रहा था, क्या देख रहा था, क्या मतलब महसूस कर रहा था लास्ट में, ठीक है, अंत में, यानी कि वहाँ पे क्लास में जब पढ़ा रहा था तो क्या ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, इसका आंसर लिखना है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख रखा है मैंने, एमएमएल ऑब्जर्व फर्स्ट एट वन थिंग, एमएमएल एक चीज़ों को यानी पहली चीज़ से दूसरी चीज़ों को देख रहा था, एंड एन अदर थिंग्स एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ठीक है। उस स्कूल में दिख रही हर एक छोटी से छोटी और सभी चीज़ों को वो इतने अच्छे से देख रहे थे, यानी एमएमएल देख रहे थे, ताकि वो अपने ऐसा लग रहा था कि वो अपने माइंड में यानी कि अपने दिमाग में वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करना चाहते हैं, यानी अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए वो सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख रहे थे उस रूम में, उस स्कूल के छोटे से रूम में जितनी भी चीज़ें थी सबको देख रहे थे, ठीक है, इसका आंसर ये हुआ। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देख रहे थे मतलब उसका मतलब हुआ ऑब्जर्व कर रहे थे, यानी कि क्या कर रहे थे, गौर कर रहे थे इन सभी चीज़ों को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए, घड़ी में 12 बजाए, जब चर्च क्लॉक के घड़ी में जब 12 बजा तो क्या हुआ, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर का जो हमारा क्वेश्चन लास्ट है, 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लिखेंगे व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस के जो ट्रैम्प्स थे वो बज रहे थे रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल्स, और वो अभ्यास से लौट रहे थे, यानी कि जो आर्मी सेना थी जर्मन की वो क्या कर रही थी, ड्रिल यानी कि अभ्यास से लौट रही थी। साउंडेड अंडर विंडोज, यह आवाज़ विंडो से आ रही थी, ठीक है, यह आवाज़ किससे आ रही थी, विंडो से आ रही थी। एमएमएल स्टूड अप वेरी पेन, एमएमएल क्या हुए, खड़े हो गए, अप वेरी पेन, ठीक है, वेरी पेन मतलब होता है कि पीला हो गए, उनका चेहरा जो पीला हो गया था, ठीक है, इन हीज चेयर, क्योंकि वो चेयर पर बैठ करके ये सब बहुत उदास थे, इसके वजह से उनका चेहरा पीला पड़ गया था। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड एंड रोट, और उन्होंने पीछे मुड़ा, वो पीछे मुड़े और ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने विवेला फ्रेंस, तो विवेला फ्रेंस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने लिखा और इशारा कर दिए कि आप जा सकते हैं सभी को, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सभी क्वेश्चन के आंसर सटीक लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।